सो गैज, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गैज आज के इस वीडियो में गैज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आ गया हूँ जहाँ पर गैज आप लोग इस ट्रिक को यूज़ करके अनलिमिटेड स्टोरेज ले सकते हो, जहाँ पर आप लोग अपना जो फोटोज़ है और वीडियोज़ है उसको आप लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग गूगल फोटोज़ का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 15 GB का लिमिट मिलता है, और उसी 15 GB में आप लोगों का जो जीमेल का डेटा है, गूगल ड्राइव का डेटा है, सब वहाँ पर आप लोगों को उसी 15 GB के अंदर में मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण गाइस वो बहुत ही जल्दी फुल भी हो जाता है। तो जैसे कि मैं अपना ही बता देता हूँ, मैं लगभग 2016 से गूगल फोटोज़ का यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मैं 3 ईमेल आईडी बना चुका हूँ। इसके चक्कर में मेरा सारा स्टोरेज फुल हो गया है और ये मेरा 3रा ईमेल आईडी है जहाँ पर ये भी कुछ दिनों में फुल ही हो जाएगा। तो मैं सोचा कि ऐसे तो ये चलने वाला है नहीं, कितना ईमेल आईडी बनाऊँगा, कितना याद रखूँगा, तो ये इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक लेकर आ गया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, क्या ट्रिक है सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग गूगल फोटोज़ को तो भूल ही जाओगे। तो कौन सा ये ट्रिक है, अब चलिए मैं आप लोग बताता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये जो ट्रिक है गाइस, आप लोगों का टेलीग्राम में वर्क करेगा और कहीं भी आप लोगों का ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि व्हाट्सअप में भी एक ग्रुप होता है और टेलीग्राम में भी आप लोगों का ग्रुप बना सकते हो, बट यहाँ पर डिफरेंस यही है कि टेलीग्राम में अगर आप लोग ग्रुप बनाते हो, वहाँ पर आप लोग कुछ भी फोटोज़ या वीडियोज़ को सेंड करते हो, तो वहाँ पर जो आप लोगों का फोटोज़ और वीडियो है वो परमानेंटली सेव हो जाता है टेलीग्राम के अंदर, और जो व्हाट्सअप में है वो अगर आप लोग इंस्टॉल कर देगा व्हाट्सअप को तो वहाँ पर आप लोगों को जो ग्रुप का फोटोज़ या वीडियोज़ है वो भी डिलीट हो जाता है, बट यहाँ पर टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आप लोगों का जो ग्रुप है वो तो डिलीट होगा नहीं, साथ ही में आप लोग जो फोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पर सेंड किए थे वो भी डिलीट नहीं होगा। तो आप लोग जाओ टेलीग्राम में ग्रुप बनाओ और वहाँ पर आप लोग जो भी पर्सनल नंबर है, आप लोग सभी के पास तो 1 से 2 नंबर होंगे ही, और उसी पर्सनल नंबर को आप लोग टेलीग्राम में खाली सिर्फ ऐड रखना, 2 से 3 नंबर को ऐड रखना, जहाँ पर आप लोग जो फोटोज़ है वो खुद के पास ही रहे, किसी के पास ना जाए। तो वहाँ पर ग्रुप बनाना है, अपना नंबर को 2 से 3 नंबर को ऐड करना है, और जो भी आप लोगों का फोटोज़ या वीडियोज़ है वो आप लोग ग्रुप में भेज देना। उसके बाद आप लोग देखना जादू, उसके बाद आप लोग जो फोटोज़ है वीडियोज़ है वो परमानेंटली सेव हो जाएगा और वो कभी भी आप लोगों को जो डिलीट होने वाला नहीं है। तो यही ट्रिक था गाइस, तो जल्दी जाओ इस ट्रिक का यूज करो और फटाफट जो भी अपना फोटोज या वीडियोज है सब गूगल फोटोज से उठाकर यहाँ पर टेलीग्राम में आप लोग रख दो। तो यही ट्रिक था गाइस आज के इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।